बाद जो भी भुजा बच गए उसे क्या कहेंगे, एक को आधार कहेंगे और दूसरे को लंब कहेंगे, है ना। अगर इस तरीके से मैं नाम दे दूं ए बी सी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस का नियम है बस एक, कर्ण लंब और आधार में एक संबंध है, उस संबंध को आप कैसे लिखते हो, तो इसके बारे में मैंने ये बताया कि आप इस तरीके से लिख सकते हो, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है ना। यही चीज पढ़ाई गई थी, मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हम क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज में आप लिखोगे ए सी का जो वर्ग होगा वो ए बी का वर्ग और बी सी के वर्ग के बराबर होगा, इनको जोड़ दे। तो एक चीज मैंने बार बार ये बताया कि आपको हमेशा ये वर्ग करना भूलना नहीं है, अगर ये वर्ग करना भूल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो ये स्क्वायर करना बहुत जरूरी है, स्क्वायर करना कोई नहीं भूलेगा, ये पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में, है ना। इसके अलावा क्या पढ़ाया गया था, सर्वांग सम था, सर्वांग सम के बारे में क्या बताया, सर्व अंग सम मतलब कोई भी दो वस्तु जिनके सभी हिस्से बराबर हो, एक जैसे हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, सर्वांग सम कहेंगे। तो इसके बारे में तो आज भी पढ़ेंगे, ये सारी चीज आपको याद है या नहीं ये बताएं, वाई या एन, ये सारी चीज पढ़ाई गई थी या नहीं लास्ट क्लास में, चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो ये सारी चीज पढ़ाई गई थी। अच्छा, काफी बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनको क्या करना है, अभी एक चैट पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिखेगा आपके स्क्रीन पर, तो आपको आंसर करना है उसका, वो पिछले क्लास पे ही आधारित है क्वेश्चन होगा, ठीक है, अभी तक कुछ भी पढ़ाया नहीं गया है। और दूसरी चीज, आपको हमेशा क्लास में टाइम से आना है, ठीक है, 5:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, आपको 5:30 बजे के पहले ज्वाइन करना है क्लास, आप लेट नहीं करोगे, ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़े और कोई भी अभी हड़बड़ी नहीं करेगा, आराम से क्वेश्चन पढ़े और आंसर करने की कोशिश करे। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण का मान दिया गया है, तो आपको ऊंचाई, और ऊंचाई को ही हम लोग लंब कहते हैं, तो ऊंचाई या लंब का मान ज्ञात करें। तो अभी आप चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे, आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है, चैट को मैंने बंद रखा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में ही पढ़ाया गया था, तो जल्दी से ट्राई करें, ज्यादा समय नहीं लेंगे, है ना। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, आप जैसे ही आंसर देते हो मुझे पता चल जाता है। अच्छा, 10 सेकेंड और है आपके पास, अभी भी काफी कम आंसर आए हैं, 10 सेकेंड में बस पोल को एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जितने बच्चे जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करेंगे एक बार। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी लोग ट्राई जरूर करेंगे। अब 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में बस पोल को एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया है, 5 तक मैं गिनती गिनता हूँ, 5, 4, 3, 2, 1, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग चैट सेक्शन में अब लिख सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे, अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं इसके पास किस तरीके से सॉल्व करूंगा, ये ध्यान से देखिए,
यहाँ पर हमें दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें आधार की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब आधार क्या होता है और लंब क्या होता है ये आपको पता है। अगर मैं इस तरीके से एक त्रिभुज बनाऊं, समकोण त्रिभुज, तो इसमें हमें क्या पता है, आधार की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां पर लिख दिया 3 सेंटीमीटर यह आधार है। अब हम कह सकते हैं कर्ण की लंबाई, कर्ण कौन सी होगी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहते हैं, इसे हम लोग कर्ण कहेंगे। तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें ये वाली ऊंचाई निकालनी है यानी लंब का मान निकालना है। लंब को ही हम लोग ऊंचाई कहते हैं, है ना, तो लंब को ही हम लोग ऊंचाई कहेंगे लंब। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अगर हम इस त्रिभुज में, एबीसी त्रिभुज में, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे, कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये चीज पढ़ाई गई थी। कर्ण को आप क्या लिखोगे, कर्ण हमारा एसी भुजा है तो एसी का वर्ग, आधार क्या है बीसी का वर्ग और लंब क्या है एबी का वर्ग। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को, वाई आई यहां तक समझ में आया तो वाई लिखेंगे, यहां तक बस मैंने नाम दिया है। ठीक है, अब सभी के मान आप रख दो। यहाँ देखो एसी की लंबाई कितनी है, आपको दिख रहा है एसी की लंबाई, यहाँ पर साफ हमें दिख रहा है एसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। देखो ये वाली लंबाई एसी है ना, ये हमें दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 का वर्ग। बीसी की लंबाई कितनी है, तो बीसी की लंबाई हमें दिख रही है 3 सेंटीमीटर, है ना, तो बीसी की लंबाई दिख रही है 3 सेंटीमीटर, तो 3 स्क्वायर। और एबी की लंबाई हमें नहीं पता, यही तो हमें ज्ञात करना है ना, तो एबी की लंबाई नहीं पता, तो ए बी स्क्वायर लिख दिया। अब यहां से इसी इक्वेशन को अगर हम इस तरीके से लिख दें, ए बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग, बिल्कुल सही है, यहां तक समझ में आ गया। तो ए बी का वर्ग प्लस 3 का वर्ग क्या लिखेंगे, 9, और 5 का वर्ग लिखेंगे 25। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो यहां से आप अगर ए बी के वर्ग का मान निकालो तो आपको मिलेगा 25 माइनस 9, और 25 में से 9 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 16। ठीक है, तो 16 किसी नंबर का वर्ग है क्या, ये बताएं, 16 किसी नंबर का वर्ग है क्या, तो आप बोलोगे 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 16 को 4 का वर्ग। अब हम क्या कह रहे हैं, ए बी का जो वर्ग है वो 4 के वर्ग के बराबर है, तो यहां से ए बी का मान कितना होगा, सभी लोग बताएंगे चैट सेक्शन, बहुत मालूम है। ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान तो 4 होगा। ठीक है, तो यहां से हमें ये समझ में आया कि इसका आंसर ए होगा। काफी बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर सी थे, तो जिसका भी आंसर ऑप्शन सी था गलत होगा उनका आंसर। ये समझ में आया या नहीं आया कि आंसर सी गलत भी हुआ ये सही होगा, समझ में आया या नहीं, वाई या एन। काफी आसान क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने किया था। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर गलत थे इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग बार बार सोल्व करने की कोशिश करो, तभी जाके आप लोग सीख पाओगे। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अब हम लोग आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। सर, यस हाँ, किसी से कुछ बोलना है क्या, सर, हाँ बताइए। सर डबल ट्रायंगल का कैसे निकाला जाएगा, क्या डबल ट्रायंगल का, वो पाइथागोरस का एक्स का मान कैसे निकाला जाएगा, 12.2 में दिखाया गया है। अच्छा 5.2 एक्सरसाइज में, यस सर, मतलब होमवर्क वाली में। यस सर, ये समझ नहीं आ रहा मुझको। हाँ ठीक है, तो क्लास जब एंड करेंगे तो क्लास के एंड में आप पूछ लेना वो। ठीक है सर एक बार दोबारा ठीक बताना, है, मैंने अभी भी क्लास ज्वाइन करी है। आपको क्लास टाइम पे आना है। ठीक है, अगर आपने क्लास लेट से ज्वाइन की है तो दो चीज हो सकती है, एक चीज आपको क्लास अगले बार से समय पर आना है। ठीक है, अभी तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लास के एंड में रुककर मुझसे पूछ लेना, वो मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, ओके सर, चलिए क्लास के एंड में उसे डिस्कस कर लेंगे। चलो चलिए, अब कोई भी अपने माइक नहीं ऑन करेगा, ध्यान से देखेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता के बारे में लास्ट क्लास में ही पढ़ाए गए थे कि दो वस्तु
अगर बिल्कुल एक जैसे हो तो उसे क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। और इसके मैंने काफी उदाहरण भी बताए थे, जैसे अभी यहाँ पर दो पेंसिल दिख रहे हैं, है ना, तो इस तरीके के उदाहरण लास्ट क्लास में भी आपको दिए गए थे कि इन दोनों की आकृति भी सेम है, आकार भी सेम है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अलग अलग आकृति के सर्वांगसमता के बारे में। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, ज्यामिति, है ना, ज्यामिति। और ज्यामिति में क्या पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके के आकृति और उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो आकृति सर्वांगसम कब होंगी, अगर कोई भी दो आकृति उनके आकार भी बिल्कुल एक जैसे हो तो उन्हें क्या कहेंगे, सर्वांगसम आकृति। वो आकृति कुछ भी हो सकती है, जैसे दो वृत्त, अगर हमें लग रहा है कि दो सर्कल यानी वृत्त बिल्कुल एक जैसे हैं, उनको दोनों की आकृति भी सेम है, आकार भी सेम है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों सर्वांगसम है। इस तरीके से अगर दो वर्ग है तो इन दोनों वर्गों को भी क्या कहेंगे, अगर इनके आकार सेम है बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इन दोनों को सर्वांगसम आकृति कहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज नंबर एक और त्रिभुज नंबर दो, जिसका नाम क्या है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों के आकार बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है, इन दोनों के आकार बिल्कुल एक जैसे हैं, देखो, ठीक है, आवाज जा रही होगी सभी को, अगर आवाज नहीं जा रही है तो एक बार लेफ्ट करके जल्दी से आप ज्वाइन कर लेंगे सुनील, तो आपको आवाज जाने लगेगी, सभी को आवाज जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों ही त्रिभुज को देखोगे तो इनके आकार देखो, एक भुजा 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर, एक भुजा 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, और इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी एक 3 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों के आकार भी बिल्कुल एक जैसे है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों आकृति क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज के बारे में आपका क्या होगी, ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है। अब त्रिभुज ध्यान से सुनते जाइए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है तो इसे आप कैसे लिखोगे, दो बराबर का साइन लगा के इस तरीके से लिखोगे। तो ये जो साइन आपको दिख रहा है ये सर्वांगसमता का साइन है, ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हो। तो अगर इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांगसम है, ठीक है, ये कांग्रेस का साइन होता है ना, हाँ, कांग्रुएंसी का साइन होता है, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों ही त्रिभुज के आकार बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, और सर्वांगसम होंगे तो आप उसे कैसे लिख सकते हो, त्रिभुज एबीसी दो बराबर का इस तरीके से साइन लगाओगे, इसे तो बराबर करते हैं, अगर अगर आप इस तरीके से लिख दोगे तो आंसर सही नहीं होगा, ये गलत है लिखना, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते, त्रिभुज एबीसी बराबर त्रिभुज पीक्यूआर ऐसा नहीं लिखा जाता, इस तरीके से लिखा जाता है, त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है त्रिभुज पीक्यूआर के। ठीक है, तो ये लिखना समझ में आया, किस तरीके से आप लिखोगे। अगर मैं त्रिभुज दो बनाऊं, एक एक्स वाई जेड और एक त्रिभुज एल एम एन, अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो किस तरीके से लिखोगे, इस तरीके से आप लिखोगे। ये समझ में आया या नहीं, वाई आई एम, बस आपको ध्यान रखना है कि सर्वांगसमता का चिन्ह जो है ऐसा होता है, कॉपी में अपने बना लोगे। ठीक है, अब हम लोग सर्वांगसमता के नियम पढ़ेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा। और देखो, आपका जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें त्रिभुज की सर्वांगसमता ही हमें पढ़नी है, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो त्रिभुज दी गई है वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है यानी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके लिए अलग अलग नियम है। तो वो नियम पढ़ने के पहले एक चीज और हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, संगत शीर्ष। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं, ध्यान से सुनेंगे, संगत शीर्ष, संगत कोण और संगत भुजा। तो संगत शीर्ष, संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर एक दूसरे के सर्वांगसम है यानी कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या देख सकते हो, सबसे पहले क्या लिखा गया, ए, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया, त्रिभुज पी, तो ए और पी क्या कहेंगे, एक दूसरे के संगत शीर्ष है, काफी आसान है, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कह सकते हैं, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है टर्म्स, ठीक है, टर्म्स लिखा हुआ है। तो अगर मैं कह रहा हूँ त्रिभुज एबीसी, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो आप क्या देखोगे,
यहाँ सबसे पहले ए लिखा गया है, यहाँ सबसे पहले पी लिखा गया है, तो ए और पी क्या है, सिर्फ वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग है या संगत है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा गया है, बी और क्यू, है ना, तो बी और क्यू को क्या कहोगे, बी और क्यू को क्या कहोगे, संगत सिर्स। और सबसे लास्ट में क्या लिखा गया, यहां भी सी और यहां भी आर, तो सी और आर क्या हो गया, संगत सिर्स, ठीक है। तो ये संगत आपको समझ में आ गया, अभी बस आप पहचानना सीखो किस तरीके से आप संगत सिर्स संगत कौन पहचानोगे, उसके बाद इसका क्या यूज है, किस तरीके से आप इसे यूज करोगे वो भी मैं सिखाऊंगा, पहले आप पहचानने के लिए सीख जाओ। तो ये समझ में आया या नहीं, बस आप देखोगे इस तरीके से आप देख सकते हो, सबसे पहले ये लिखा गया है। साइन का मतलब क्या होता है, ये ट्रायंगल एबीसी इक्वल, फिर से आप बोलो आपने क्या बोला, ये जो ट्रायंगल एबीसी है इक्वल ट्रायंगल पी के ऊपर जो इसके ऊपर का साइन है वो क्या होता है। देखो ये साइन है, पहले म्यूट कर लो अपना, ये साइन है सर्वांग समता का। अगर इस तरीके से लिखा गया, आप ऐसे लिखते हो एक्स बराबर वाई, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई बराबर है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर दो त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हैं तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बी सी और इस तरीके से त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। तो ये बस इस तरीके से लिखने का तरीका है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सर इसको कहा क्या जाता है, सर्वांग समता का चिन्ह कहा जाता है, ठीक है ठीक है। जिस तरीके से आप इसे बराबर कहते हो कि ये बराबर है, उसी तरीके से आप क्या कहोगे, सर्वांग सम है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांग सम, ठीक है, वही चिन्ह है इसका। सर दोबारा बताना एक बार प्लीज। हाँ मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर आप कहोगे अगर त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांग सम है तो संगत शीर्ष आपको पहचानना है, तो बस आप देखो इस तरीके से जिसे मैं अभी चिन्ह लगा रहा हूं, दिख रहा है ना। तो आप ए और बी को बोलोगे, ए और पी संगत शीर्ष है, बी और क्यू संगत शीर्ष है, और सी और आर। अच्छा कोई बच्चा ऐसा अपना माइक ऑन रखा है, अपना माइक बंद कर दे, है ना। तो हम यह क्या कहेंगे, ये तीनों संगत शीर्ष है, ये समझ में आया। बस आपको देखना है सबसे पहले कौन सा लिखा गया है। एक और उदाहरण से अगर समझे, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखो त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी के, तो हम कहेंगे इस वाले त्रिभुज के लिए एक्स और ए संगत हो गए, वाई और बी संगत हो गए, और जेड और सी संगत हो गए, बस इतना आसान है। बस आपको देखना है कि किस ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया तो वाई लिखेंगे, ये समझ में आ गया तो सभी लोग वाई लिखेंगे, ठीक। तो जिस तरीके से आपने संगत शीर्ष पहचाना, उसी तरीके से संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल पहचान सकते हो, बिल्कुल एक ही जैसा है। जिस तरीके से आपने संगत शीर्ष कैसे पहचाना, ए और पी आगे वाले दोनों, फिर बी बीच में लिखा हुआ है, तो इस वाले त्रिभुज में देखो कौन सा बीच में लिखा हुआ है, क्यू। अब यहां पर मैंने सी को सबसे लास्ट में लिखा, तो यहां भी सबसे लास्ट में कौन लिखा हुआ है, आर। तो हम क्या कहेंगे, कोण ए कोण पी के संगत है, कोण बी कोण क्यू के संगत है, कोण सी कोण आर के संगत है, बिल्कुल उसी के जैसा है, बिल्कुल भी सेम है। जिस तरीके से आप शीर्ष पहचानोगे उसी तरीके से संगत कोण भी पहचान लोगे, ठीक है। संगत कोण आपने पहचान लिया, अब संगत कोण पहचान तो लिया, इसका क्या यूज क्या करोगे आप, तो इसका यूज ये करोगे, अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो हम कहेंगे जो भी संगत शीर्ष हैं ये आपस में बराबर होते हैं, तो हम कहेंगे कोण ए जो है कोण पी के बराबर होगा, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण सी कोण आर के बराबर होगा, ठीक है। संगत शीर्ष आपस में बराबर होते हैं, ये समझ में आया या नहीं, ठीक है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। चलिए अब संगत शीर्ष और संगत कोण तो पहचानना काफी आसान था, अब बस इसके ऑर्डर को देख लोगे, यहाँ सबसे पहले ए लिखा है तो यहाँ भी पी लिखा है, सबसे लास्ट में सी लिखा है तो यहाँ सबसे लास्ट में आर लिखा है, बस इस तरीके से आपको देखना है। संगत भुजा आप कैसे पहचानोगे, अगर मैं कह रहा हूं त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है,
तो आप किस तरीके से संगत भुजा या करस्पॉन्डिंग साइड को पहचानोगे? ध्यान से देखिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ए बी। मैं अगर ए बी को ले रहा हूं, पहला वाला दो, तो इस वाले त्रिभुज में भी आपको पहला वाला दो लेना है, पी क्यू को। तो आपको क्या दिख रहा है, ए बी पी क्यू के संगत है, ये दिखा या नहीं? चलिए, अगर मैं पहला वाला दो छोड़कर मैं ये दोनों को ले रहा हूँ, बी सी को ले रहा हूँ, है ना, यहाँ पर देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ भी आप पीछे वाले दो को लोगे, क्यू आर को, ठीक है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बी सी और क्यू आर क्या है, संगत है। बी सी को अगर ले रहा हूं तो क्यू आर लेना पड़ेगा, ये समझ में आया? चलिए, अगर मैं ए सी लू, भुजा सी ए को लिया गया है ना, सी ए मतलब ये वाला और ये वाला लिया गया सी ए, तो यहां से भी आप क्या लोगे, आर पी लोगे। तो यहां पर अगर सी ए लिया गया तो आर पी लिया गया, इसे क्या कहेंगे, संगत भुजा कहेंगे। ये सारी चीज समझ में आई या नहीं? अगर इस तरीके से मैं दूसरा त्रिभुज बना लू, एक्स वाई जेड और सर्वांशम है त्रिभुज एल एम एन के, ठीक है? तो यहां पर अगर संगत भुजा बोली जाए तो एक्स वाई के संगत भुजा कौन सी होगी, एक्स वाई अगर मैं ले रहा हूं आगे वाला दो, तो यहां पर भी एल एम लेना पड़ेगा, है ना, तो इसके सर्वांग संगत एल एम होगा, इसके तुल्य होता है वो। अगर मैं जेड एक्स लिख रहा हूं, जेड एक्स ध्यान से देखिएगा, जेड एक्स कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला लिया जेड एक्स, तो आपको यहां से भी एन एल लेना पड़ेगा, है ना, तो यहां से आपको लेना पड़ेगा एन एल। ये समझ में आया या नहीं? बस जिस तरीके से आप इस वाले त्रिभुज में ऑर्डर देखोगे उसी तरीके से इसका भी क्रम देखोगे, बिल्कुल इसी तरीके से देखना है। अच्छा, संगत भुजा तो हम लोग पहचान लेंगे, अब संगत भुजा पहचान के इसका यूज क्या करोगे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिभुज एबीसी इफ यदि, ये ध्यान दीजिएगा, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल एक जैसे है, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल एक जैसे होंगे, तो इनके संगत भुजा भी आपस में बराबर होंगे, तो ए बी और पी क्यू क्या होगा, आपस में बराबर होगा। आप क्या कह सकते हो, बी सी किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा, और सी ए किसके बराबर होगा, आर पी के बराबर होगा। तो जो संगत भुजा होती है वो आपस में बराबर भी होती है, ठीक है, जो संगत भुजा होती है आपस में बराबर भी होती है। ये समझ में आया या नहीं, वाई या एन? ठीक है, ये सभी चीज अगर समझ में आ गई तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्वांगसमता के नियम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि संगत भुजा कौन सी होती है, संगत कोण कौन से हैं, और संगत शीर्ष आपको पहचानने आना चाहिए, तब तो आप काफी आसानी से सीख पाओगे सर्वांगसमता के नियम। तो देखो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग ये सीखेंगे कि आप कैसे पहचानोगे कि जो त्रिभुज आपको दी गई है ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं है, ठीक है? आपको दो त्रिभुज दे दी जाएगी और आपको ये पूछा जाएगा कि ये जो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज एक और त्रिभुज दो, ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं है, तो आप कैसे पहचानोगे, उसके कुछ नियम है, तो वो सभी नियम को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला नियम क्या है, साइड साइड साइड, एस लिखने का मतलब क्या होता है, एस का मतलब साइड होता है ना, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं, ठीक है? तो इसका पूरा नाम क्या है, साइड 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 क्रिटेरिया, या हिंदी में बोले तो भुजा 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 प्रतिबंध, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एसएसएस प्रतिबंध या एसएसएस क्रिटेरिया, ठीक है? साइड साइड साइड, अभी हम लोग एसएसएस के बारे में पढ़ने वाले, उसके बाद आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है? चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्या नियम कहता है। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, साइड 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 क्रिटेरिया या भुजा 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 प्रतिबंध का मतलब क्या होता है, ध्यान से आप देखो, यदि किसी भी त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज एस 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 यानी साइड 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 प्रतिबंध से सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम जब भी मैं बोलूं तो सर्वांगसम सुनते ही आपके मन में क्या आना चाहिए, बिल्कुल एक जैसे, एकदम दोनों एक जैसे होंगे। तो यहां पर आपको कौन से दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज दिख रहा है त्रिभुज एबीसी, दूसरा त्रिभुज क्या दिख रहा है, पी क्यू आर, ठीक है? तो अगर इन दोनों त्रिभुज को आप ध्यान से देखो तो आप क्या कह सकते हो,
त्रिभुज में एक भुजा ए सेंटीमीटर की है, ए है इसकी लंबाई, तो इसमें भी एक भुजा ए लंबाई की है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं, देखो बी सी की लंबाई, बी सी की लंबाई कितनी है, सी। सी कहीं पर है क्या पी क्यू आर त्रिभुज में, तो यहां दिख रहा है हमें इसकी भी लंबाई सी है, तो हम कह सकते हैं बी सी की जो लंबाई है वो क्यू आर के बराबर है। तो ए बी की लंबाई तो हमने कहा पी क्यू के बराबर, बी सी की लंबाई क्यू आर के बराबर। अब आप ए सी की लंबाई देखो, ए सी की लंबाई कितनी है, बी। बी कहीं है क्या, यहां पर दिख रहा है, तो पी आर की लंबाई भी इतनी ही है बी, तो हम कह सकते हैं कि ए सी की लंबाई पी आर के बराबर है। तो हमें दिख रहा है कि इस वाले त्रिभुज में ए बी की लंबाई पी क्यू के बराबर है, बी सी की लंबाई क्यू आर के बराबर है, और ए सी की लंबाई इसके बराबर है। सभी लोग बताएंगे ए सी की लंबाई पी आर के बराबर है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस दोनों ही त्रिभुज में तीनों ही भुजा संगत भुजा बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया, इसे हम लोग और एक उदाहरण से भी समझेंगे। इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो इसे हम लोग और एक उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल सेम चीज। तो यहां पर आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, फिर से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दिख रहा है। तो आप इस तरीके से देखोगे, अगर पूछा जाए ये दोनों त्रिभुज आपको जो दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं, वाई या एन, तो आप कैसे चेक करोगे। चलो इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो इसे चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, तो इस दोनों त्रिभुज में क्या दिख रहा है, त्रिभुज एबी की लंबाई कितनी है, तो एबी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहां पर देखो पीक्यू की लंबाई दिख रही है ना 5-4 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे ए बी और पीक्यू क्या है, बराबर है। तो हमने देखा कि ए बी और पीक्यू क्या है, बराबर है, जो एक भुजा है, ठीक है। भुजा बी सी की लंबाई देखो, भुजा बी सी की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब यहां कहीं 3 सेंटीमीटर दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है 3 सेंटीमीटर क्यू आर। तो हमें दिख रहा है कि भुजा बी सी की जो लंबाई है वो भुजा क्यू आर के बराबर है, ठीक है। दो भुजा हमें बिल्कुल बराबर दिख गई। अब तीसरी भुजा को देखते हैं, तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा ए सी दिख रही है जो 2.5 सेंटीमीटर की है, 2.5 सेंटीमीटर। तो इस वाले त्रिभुज में अगर हम देखें तो 2.5 सेंटीमीटर है क्या, तो बिल्कुल दे रखा है कि ये 2.5 सेंटीमीटर है, यानी पी आर की जो लंबाई है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो ए सी की लंबाई पी आर के बराबर है ना। तो यह भी एक भुजा है, तो हमें साफ दिख रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों ही भुजा आपस में बराबर हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों ही त्रिभुज साइड 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 प्रतिबंध से, इस वाले नियम से, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम को आप कैसे लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, इस तरीके से आप लिखोगे, इसका आंसर होगा वाई। हाँ, ये दोनों सर्वांगसम है। ये समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, इसके ऑर्डर पे हम लोग अभी और बात करेंगे कि आप किस तरीके से इसके ऑर्डर लिखोगे। ये समझ में आया या नहीं आया, तो इनके तीनों ही भुजा आपस में संगत भुजा, ये ध्यान देना कि संगत भुजा बराबर होंगे, ठीक है। तो जिससे भी आप संगत भुजा कह रहे हो उसमें वो बराबर होंगे। चलिए, अच्छा कुछ चीज अब मैं और पूछ रहा हूँ, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर ही बताएंगे। अब किसी एक बच्चे का भी क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, पी क्यू या क्यू पी दोनों ही लिख सकते हैं क्या। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है, यानी दोनों ही कॉन्ग्रुएंट। सर, अगर ए बी इक्वल पी क्यू की जगह क्यू पी हो जाए तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप माइक ऑफ बंद रखें, मैं जो भी बता रहा हूँ अभी ध्यान से सुनिएगा। आप इस त्रिभुज का नाम क्या लिखोगे, चलिए ये बताएं, इस त्रिभुज को आप लिख सकते हो पी क्यू आर, इस त्रिभुज को आप क्यू पी आर भी लिख सकते हो, है ना, इस त्रिभुज को आप आर पी क्यू भी लिख सकते हो, है ना, इस त्रिभुज को आप किसी तरीके से नाम दोगे बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ, आप किन्हें क्या लिखा, त्रिभुज अभी अभी मैंने आपको बताया कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है,
ठीक है। तो अब पी क्यू आर त्रिभुज को तो आप क्यू पी आर भी लिख सकते हो, तो मैं ऐसा लिखूंगा तो सही होगा क्या? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज आर पी क्यू लिख दिया मैंने, आर पी क्यू, तो ये तो सही है, हमें पता है ये सही है क्या नहीं, वाई या एन, सभी लोग बताएंगे, ये लिखना सही होगा क्या? सर गलत नहीं, गलत होगा। हाँ तो ध्यान से सुनिए, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, जब भी मैं पूछता हूँ तो चैट में लिखकर बताएंगे, आप माइक ऑन करते हो तो क्या होगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है, तो मैं बार बार ये चीज नहीं बोलूंगा, वो आपको चैट में बताना है। हाँ तो ध्यान से देखिएगा, यह लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप ऐसे नहीं लिख पाओगे। तो अब देखते हैं कि ऐसा लिखना कैसे गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, और किस तरीके से आप लिखोगे इसको, नाम कैसे दोगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप सर्वांग समता पढ़ रहे हो तो आपको यही ध्यान देना है कि आप त्रिभुज का जो नाम देते हो वो नाम आप कैसे दोगे, ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं इसे। तो ये क्यों गलत हुआ इसको सबसे पहले देखते हैं। चलिए यहां पर दो त्रिभुज बनाते हैं, इस चीज को समझने के लिए दो त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज इस तरीके से मुझे दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज इस तरीके से बना दिया गया। अब इसका नाम है एबीसी और इसका नाम है पी क्यू आर। अब इसके भुजाएं मैंने दे दिए 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके भुजा मैंने दे दी 5 सेंटीमीटर यहां पर, 7 सेंटीमीटर यहां पर और 9 सेंटीमीटर यहां पर, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये दोनों जो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, बस इतना बताएं, यस या नो, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं? हाँ तो आप सभी के आंसर होंगे बिल्कुल है, ठीक है। मेरा भी माइक नहीं ऑन करोगे, देखो एक चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, तो आप जितना बार माइक ऑन करते हो ये आता है कि आपने क्लास को डिस्टर्ब किया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, माइक हमेशा बंद रखना है। तो चैट सेक्शन में आंसर देंगे। तो हाँ मुझे ये तो दिख रहा है, सबसे पहले हम क्या दिखेंगे, यहां पर हमें साफ दिख रहा है कि भुजा ए बी जो है इस वाले भुजा के बराबर है, ये जो भुजा है ए सी ये पी आर या आर पी के बराबर है, अब बी सी भुजा क्या है पी क्यू या क्यू पी के बराबर है, तो तीनों ही भुजा एक बराबर है, तो हम कहेंगे बिल्कुल ये दोनों त्रिभुज नंबर एक और त्रिभुज नंबर दो ये दोनों सर्वांगसम तो हैं। बट क्या यहां पर अगर मैं इस तरीके से लिख दूं त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम है, तो आंसर सही होगा क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। तो आप नाम कैसे दोगे ये ध्यान से देखिएगा, किस तरीके से नाम देंगे ये ध्यान से देखिएगा, इसका ट्रिक है, काफी आसानी से आप आंसर कर पाओगे। तो नाम लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक त्रिभुज हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले मैंने लिख लिया त्रिभुज एबीसी, ठीक है। अब यह किस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, यहां पर हमें त्रिभुज का नाम लिखना है, तो यहां देखें एबीसी किस तरीके से गया, ए से शुरू हुआ। अच्छा फिर से आपने माइक ऑन करके बोल रहे हो आप, मैं बार बार बोल रहा हूं माइक ऑन करके नहीं बताना है। तो यहां पर आप देखो एबीसी में किस तरीके से गया, इस तरीके से गया ना, इस तरीके से गया, ठीक है। सबसे पहले 5 आया, फिर 9 आया, फिर 7 आया, 5 9 7, तो इसी तरीके से आपको यहां भी जाना है, तो 5 फिर 7 के तरफ नहीं जाना है, ये गलत हो जाएगा। अब 5 से आपको 9 के तरफ जाना है ना, तो 5 से किस तरफ के जाना है, 5 यहां पर ध्यान से देखना किस तरफ से गया, 5 से 9 के तरफ गया, तो यहां भी आपको जाना है इस तरीके से, 5 से 9 फिर 7, आपको ये ऑर्डर ध्यान देना है, 5 9 7 इस तरीके से। तो 5 9 7 आप जाओगे तो 5 कहां से शुरू हो रहा है, आर से, तो आप क्या कहोगे आर क्यू पी, तो आप क्या कहोगे त्रिभुज आर क्यू पी के सर्वांगसम होगा, अगर त्रिभुज पी क्यू आर लिख दे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये समझ में आया किस तरीके से नाम देते हैं, काफी आसान था, क्यू पी आर आर पी आर क्यू पी लिखना पड़ेगा, यहां ध्यान से देखिएगा आर क्यू पी, 5 9 7 इस तरीके से आपको ऑर्डर देखना है। अब देखिए इसका क्या फायदा होगा, इस तरीके से अगर मैं नाम दूं तो इसका क्या फायदा हो रहा है,
अगर मैं कह रहा हूँ त्रिभुज एबीसी आरक्यूपी के सर्वांग सम है, तो यहां से आप देख के क्या क्या बता सकते हो। यहां से आप बोलोगे अगर मैं ए बी लिव तो ए बी किसके बराबर होगा, आर क्यू के बराबर होगा। अगर मैं इस वाले को ले रहा हूं तो आर क्यू के बराबर होगा, है ना। आप देख सकते हो यहां पर ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई हमें दिख रही है 5 सेंटीमीटर, ये वाला, है ना। तो यहां पर आप देखो आर क्यू कितनी है, आर क्यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर दिख रही है हमें, ये वाला दिखा सभी को। चलिए अब अगर मैं ये लिख रहा था, यहाँ क्या लिखा हुआ था, त्रिभुज ए बी सी और सर्वांग सम त्रिभुज आर क्यू पी। अब देखो यहां पर बी सी को अगर लू तो बी सी के संगत कौन सी भुजा है, क्यू पी। बी सी और क्यू पी आपस में बराबर होगा। देखो इसको चेक करते हैं, बी सी क्या है 9 सेंटीमीटर है, क्यू पी कितना है, ध्यान से देखो क्यू पी भी 9 सेंटीमीटर है, दिख गया हमें, ठीक है। अगर मैं ए सी लू, ए सी के संगत कौन से भुजा है, देखो ए सबसे पहले लिखा हुआ था ए सी, तो यहां से भी आप ले लो आर पी को, आर पी ले लिया, तो हम क्या कहेंगे ए सी और आर पी आपस में बराबर होंगे। तो आप देखो यहां पर ए सी की लंबाई कितनी है 7, आर पी की लंबाई 7। तो इससे ये फायदा होगा कि आप इस तरीके से बस इस नाम को देखकर आप बता सकते हो कौन सी भुजा किस भुजा के बराबर होगा, आपको चित्र देखने की जरूरत नहीं होगी। ये समझ में आया या नहीं आया, ये समझ में आया या नहीं आया। चलिए अगर समझ में आ गया तो देखो एक चीज और मैं बता दूं, क्या लिखा गया था, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज आर क्यू पी के। अच्छा कोई बच्चा अगर ऐसा लिख दे, अगर मैं इस तरीके से लिख दू त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखने से क्या गलती हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा लिख दे कोई तो वो क्या कहेगा, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ऐसा बोलेगा ना वो कि ए बी पी क्यू के बराबर है, संगत भुजा देख के ए बी और पी क्यू को ले लिया। अब चित्र को देखेंगे तो क्या दिखेगा, ए बी 5 सेंटीमीटर है जबकि पी क्यू हमें दिख रहा है 9 सेंटीमीटर, तो ये गलत हो गया ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाम हमेशा सावधानी से देना है, उसका क्रम देखना है आपको, आप किसी भी तरीके से नाम दे दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आया या नहीं, एक बार जल्दी से बताया, फिर हम लोग एक दूसरा उदाहरण लेके समझेंगे, यस या नो, ये समझ में आया या नहीं, ये वाला उदाहरण समझ में आया या नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया तो एक और उदाहरण से समझते हैं। अच्छा चलिए इस बार मैं चित्र नहीं बना रहा हूं, सिर्फ इस तरीके से मैं लिखूं कि त्रिभुज ए बी सी, या चलो ए बी सी नहीं लिखते, कुछ और त्रिभुज का नाम देते हैं, त्रिभुज बी सी ए दे दिया मैंने, त्रिभुज बी सी ए जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज वाई जेड एक्स के। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सी ए भुजा के बराबर कौन सी भुजा होगी, ये बताएं सी ए भुजा किसके बराबर होगा, तो आप देखो किस तरीके से देखोगे, यहां पर सी ए लिखा गया ये दोनों पीछे, तो जो यहां पर लिखा गया उसी ऑर्डर को यहां पर देखो जेड एक्स, तो हम लिखेंगे जेड एक्स के बराबर, ठीक है। तो यहां पर अगर सी ए लिखा गया तो यहां भी आपको जेड एक्स लेना है, ठीक है, तो यहां पर जेड एक्स लेना होगा, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोण सी ए बी किसके बराबर होगा, तो देखो यहां पर लिखा सी, सबसे पहले ये लिया फिर ये लिया फिर ये लिया, ठीक है ना, सी फिर ए फिर बी, तो उसी तरीके से यहां भी चले जाओ, पहले ये लोगे फिर ये लोगे फिर ये लोगे, तो क्या कहेंगे कोण जेड एक्स वाई इस तरीके से बराबर हो, ठीक है। तो चित्र नहीं भी देखोगे इससे यही फायदा होता है, तो ऑर्डर लिखने का क्या, नाम किस तरीके से देंगे, इसका यही काम है कि आपको चित्र आप नहीं भी देखो तो आप इससे देखकर बता सकते हो कौन से भुजा किसके बराबर है। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कि एक्स वाई भुजा किसके बराबर होगी, तो एक्स वाई भुजा किस वाले त्रिभुज के कौन से भुजा के बराबर होगी, ये बताएं चैट में लिखकर बताएंगे सभी लोग, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, तो एक्स वाई भुजा आप कैसे देखोगे, तो एक्स वाई भुजा को मैं किस तरीके से देखूंगा, तो एक मैंने ये वाला लिया एक्स वाई इस तरीके से लिया,
तो इस वाले त्रिभुज में भी आप ये ले लो ए बी, तो हम क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे, ठीक है, तो ए बी के बराबर। चलिए ये सारी बातें अगर समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन करते हैं, है ना, सभी लोग बताएंगे यस या नो, समझ में आया या नहीं आया, ये सारी चीज समझ में आई या नहीं। चलिए समझ में आ गया तो अभी आपके पास कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है, अभी कुछ सेकंड में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ कुछ सेकंड में फिर से दिखने लगेगी, ठीक है, आप सभी को मेरी स्क्रीन अब फिर से दिखने लगी होगी। हेलो सर, मेरे साइड ना आवाज नहीं आ रही। तो आप एक बार जल्दी से लेफ्ट करोगे और फिर से ज्वाइन कर लोगे। चलिए अभी फिर से आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कहाँ करोगे, सभी को क्वेश्चन दिख रहा है ना, चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? यस सर। हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, तो अभी मैं चैट को अब बंद कर रहा हूँ, अब कोई चैट में नहीं लिख पाएगा, आंसर पोल सेक्शन में जाएं और पोल में आंसर करें। आपको इसमें बस काफी कम समय है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है, ठीक है, बस आपको ये बताना है कि ये जो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं ये सर्वांगसम है या नहीं है। आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, इसमें कॉपी और पेन की भी जरूरत नहीं है, तो आपको बस ये देखना है कि जो जो त्रिभुज दी गई है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, हाँ या ना। चलिए 5 सेकंड और है। सर हो गया। अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, कोई भी अपना माइक ऑन करके नहीं बताएगा। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो आपका तो आप चैट सेक्शन में लिख दोगे। हाँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दो त्रिभुज, त्रिभुज एक त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, दूसरा ये वाला, तो इन दोनों त्रिभुज को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इस वाले त्रिभुज में भी हमें दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, एक भुजा तो दोनों के बराबर मिल रही है, हम कह सकते हैं पी आर ए सी के बराबर है, एक भुजा बराबर है। दूसरी भुजा इसमें हमें दिख रही है 3.5 सेंटीमीटर की, यहाँ भी एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा भी बराबर है। तीसरी भुजा में क्या दिख रही है 7.1 सेंटीमीटर की, है ना, तो इसमें भी हमें दिख रही है 7.1 सेंटीमीटर की तीसरी भुजा, यानी हम कह सकते हैं ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर। अच्छा मैं जो तीन डंडे इस तरीके से लगा रहा हूँ इसका मतलब ये होता है कि ये पी क्यू भुजा इस वाले के बराबर है, जहां एक बार इस तरीके से चिन्ह लगाया यहाँ भी एक बार लगाया, तो ये दोनों आपस में बराबर है, इस तरीके से समझते हैं हम लोग। तो यहां से हम क्या कहेंगे, ये दोनों ही त्रिभुज में तीनों ही संगत भुजा आपस में बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज में हम नाम भी इसमें देखने की कोशिश नहीं करेंगे अभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये कह देंगे कि हाँ ये दोनों सर्वांगसम है, कौन से प्रतिबंध से, कौन से क्रिटेरिया से, एस 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 से, है ना, आपस में तीनों ही भुजा आपस में बराबर है। ये समझ में आया या नहीं आया, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही थे वैसे, ये समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो यहाँ साफ दिख रहा था कि तीनों ही इस त्रिभुज के तीनों ही भुजा इस वाले के एक एक भुजा के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। चलिए ये तो समझ में आ गया, काफी आसान क्वेश्चन था, तो अभी फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा और यहाँ पर आपको कोई भी माइक ऑन करके नहीं बताएगा। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर,
यहां पर आपको ये बताना है कि बीसी की लंबाई कितनी होगी। तो यहां पर बीसी की लंबाई बतानी है आपको। और यह दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी आर क्यू के सर्वांश है। ध्यान से देखिएगा, पी आर क्यू लिखा है, ऑर्डर आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप जो भी चीज अभी मैंने पढ़ाई थी अगर वो ध्यान से आपने सुना होगा तो इस क्वेश्चन को काफी आसानी से आंसर कर पाओगे। तो देखें कि बीसी की लंबाई कितनी होगी। अब अपने कॉपी में लिखे त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के, सर्वांगसम का चिन्ह लगा के। और उसके बाद देखें कि अगर बीसी के संगत भुजा कौन सी है और किसके बराबर होगा वो। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं इसलिए हम लोग कुछ और समय ले रहे हैं, ठीक है। अब 10 सेकंड में बस पोल को एंड कर दूंगा, 10 सेकंड और है, आखिरी 10 सेकंड है आपके पास। अब आखिरी 5 सेकंड है, 5 सेकंड में पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सर पोल में आंसर गलत लिखा गया। कोई बात नहीं, अगर पोल में गलत लिखा गया तो आप चैट में फिर से आंसर सही कर देना, ठीक है। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, ठीक है। और जिनके भी आंसर गलत हो गए या फिर उनको और दूसरा आंसर देना है तो आप चैट में अब लिख सकते हो। चलिए अब हम ध्यान से देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो यहां दिया गया त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीआरक्यू के सर्वांगसम है, ठीक है। तो अगर मुझे यह क्वेश्चन मिलेगा तो मैं इसे किस तरीके से सोल्व करूंगा ये देखिए। मैं इसे लिखूंगा त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू। अच्छा अपना माइक आप बंद कर देंगे, राम कुमार के नाम से जो बच्चा है माइक कोई को ऑन नहीं करना है। तो इस तरीके से लिखा गया त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पी आर क्यू के सर्वांगसम है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, बीसी की लंबाई पूछी जा रही है। तो अगर मैं बीसी दो पीछे वाली ये दोनों के देखूं तो यहां पर क्या लिखा गया RQ। तो हम कह सकते हैं बीसी की जो लंबाई है वो RQ के बराबर होगा, है कि नहीं, यस या नहीं। तो बीसी की जो लंबाई है वो RQ के बराबर होगा। तो यहां पर साफ हमें दिख रहा है बीसी ये जो भुजा है ये RQ यहां पर है ना, तो 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से हम सीधे कह सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन बी था। ये समझ में आया या नहीं आया, काफी आसान सा था। अगर आपने इस नाम को ध्यान से समझ लिया, त्रिभुज एबीसी लिखा गया था और त्रिभुज पी आर क्यू लिखा गया था, है ना। तो आपको हमेशा ये नाम को ध्यान से देखना है, चित्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नाम है। तो आपने यहां पर बीसी मैंने लिया तो यहां से आप आर क्यू ले लो, तो बीसी किसके बराबर होगा, आर क्यू के बराबर होगा। अब आर क्यू की लंबाई हमें 8 दिख रही है तो बीसी को भी हम 8 कह देंगे, तो 8 के बराबर, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अभी फिर से आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो फिर से एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहां पर आप ध्यान से देखें कि यहां पर 4 त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको। आप सभी ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से एक एक करके, और आपको ये बताना है कि कौन से दो ऑप्शन जिनके युग्म में बनाए गए, ठीक है, वह सर्वांगसम है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे फिर ट्राई करेंगे। करना कौन सा है आपको देखना है कि जो त्रिभुज आपको दिख रही है त्रिभुज एक और दो सर्वांगसम है क्या, त्रिभुज दो और चार सर्वांगसम है क्या। सभी ऑप्शन को देखें कौन सा ऑप्शन सही है, बस सही ऑप्शन को आपको चुनना है। सर पोल में देना है आंसर। हाँ पोल में आंसर देना है, चैट को अभी बंद किया है मैंने, तो आंसर पोल में ही देना है।
आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। तो आपको ये बताना है कि SSS प्रतिबंध से साइड 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 यानी भुजा 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 प्रतिबंध से कौन से दो चित्र ऐसे हैं, कौन से दो त्रिभुज ऐसे हैं जो सर्वांगसम है। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और फिर आंसर करेंगे। अभी भी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। आखिरी 10 सेकंड है आपके पास, बस मैं पोल को 10 सेकंड में एंड कर दूंगा। अगर आपने आंसर नहीं किया तो जल्दी से पोल सेक्शन में जाएं और आंसर करें, ट्राई जरूर करें कम से कम। 5 सेकंड और, ठीक है? अगर हो जाए तो कोई भी माइक ऑन करके नहीं बताएगा, आप आंसर कर देते हो। मैं बार बार यही कहता हूँ, आप आंसर कर देते हो तो मुझे पता चल जाता है। बाकी सभी बच्चे आंसर कर देंगे, फिर पोल को एंड करके डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और चैट अब ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी पूछ सकते हो। चलिए, तो यहां दिया गया है SSS प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांगसम है, कौन सा पेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन एक, सभी को हम लोग बारी बारी से देखते हैं, सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन ए, तो इसमें क्या दिया गया है, एक और दो। तो त्रिभुज एक और त्रिभुज दो को देखते हैं तो हमें क्या दिखा, ये कि 1.5 सेंटीमीटर है ना, ये वाला तो बिल्कुल इसके बराबर है 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें ये दिख गया कि ए बी भुजा जो है इस वाले भुजा के बराबर है, एक भुजा तो हमें बराबर दिख गया। अब ये वाले भुजा को देखते हैं, हमें दिख रहा है 2.2 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 2.2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर दिख रही है, ठीक है? ये दोनों भुजा आपस में हमें बराबर दिख रही है, ठीक है? अब तीसरी भुजा को देखते हैं, तीसरी भुजा क्या है, BC, और यहाँ पर तीसरी भुजा कौन सी है, QR। इन दोनों की लंबाई कितनी दे रखी है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर दी गई है और ये भी 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम कहेंगे ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, तो हम कहेंगे ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। एक और दो क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है? तो ये तो हम कह दिए कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो अगर आपको ये पता चल गया कि ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर है तो बाकी ऑप्शन को आप चेक भी नहीं करोगे, है ना, ये सही हो जाएगा। अभी के लिए हम लोग देखने के लिए, क्योंकि एक ही आंसर सही हो सकता है, ठीक है? अभी के लिए हम लोग एक और ऑप्शन से समझने की कोशिश करते हैं, एक ऑप्शन और कोई देखते हैं। आप बाकी सभी ऑप्शन को भी इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तीन और चार को देखते हैं, ऑप्शन डी को देखते हैं। तो यहां पर त्रिभुज तीन और त्रिभुज चार को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है ये भुजा 3.4 सेंटीमीटर, जबकि इस वाले त्रिभुज में तो कोई भी भुजा 3.4 सेंटीमीटर की दिख ही नहीं रही है। तो हम क्या कहेंगे, एक ही समय पता चल गया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, तो ये तुम्हारा आंसर सही हो ही नहीं सकता, ठीक है? दो और चार को अगर आप देखोगे, दो त्रिभुज और चार को, तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये 2.2 सेंटीमीटर, इसमें कोई भी भुजा 2.2 सेंटीमीटर की नहीं है, हम कहेंगे ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ये समझ में आया या नहीं आया, काफी आसान सा क्वेश्चन था कि हमारा आंसर ए सही क्यों है। अच्छा कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा, जो भी बच्चा अपना माइक ऑन रखा है माइक बंद कर दें, अभी कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी होमवर्क नोट करेंगे उसके बाद क्लास छोड़कर जाएंगे, उसके बाद अभी आपको चैट सेक्शन में एक लिंक जाएगा। अमरजीत आप अपना माइक बंद कर दो, अमरजीत के नाम से जो ही बच्चा है, अमरजीत आप अपना माइक म्यूट करेंगे अभी के अभी। हाँ चलिए, अमरजीत हो गए मैम, स्नेहा हो गए, आप अपना माइक म्यूट करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है चैट बॉक्स पे लिखो प्लीज, आपकी वजह से बाकी सभी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज।
अभी कोई भी क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, अभी आपके चैट सेक्शन में एक क्लास एक लिंक जाएगा, ठीक है? तो उस लिंक में क्या है, एक गूगल फॉर्म का लिंक है, वो आप सभी को उसमें आंसर करना है। वो कोई भी पढ़ाई वाले टॉपिक नहीं है उसमें, ठीक है? जो क्वेश्चन है क्लास की, वो सारी चीजें उसमें नहीं भरना। आपका स्कूल का नाम है या लाइव क्लास जो चल रहा है आपकी, उसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है? तो सभी को उसमें आंसर करना है।